Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog, another day. Hope you all are doing very well. Bara Rabiul Awwal yani Eid Milad un Nabi sab ko bahut bahut mubarak ho. Tamam Muslim community ko mubarak ho. And Bara Rabiul Awwal ka din hai kal. Subah hoga Bara Rabiul Awwal ka din inshallah. Aur jo hai uske liye dekhenge kya kar sakte hain, kya niyaz wagaira denge. अभी तो हम बाहर जा रहे हैं, रात के बज गए 10:30 और बाहर लगी हुई है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं। मेरे आने तक कपड़े भी धुल ही जाएंगे। कुछ मैं धो के आहत के तो धो लिए, धो के डाल दिए, कुछ बाहर डाल दिए, कुछ अंदर डाल दिए। और अभी मेरे और अब्दुल्ला के कपड़े धुल रहे हैं, मशीन लगी हुई है यहाँ पे। राहत ने देख लो फिर गन डाल दिया। सुबह आज मैंने काम वाली से सफाई करवाई थी, आज मैंने खुद नहीं की, बस थोड़ी सी ऐसी तबीयत मेरी भी ऊपर नीचे हो रही थी तो मैंने खुद नहीं की, मैंने काम वाली से बाथरूम वही सब, और राहत ने फिर सब बिखेर दिया। मुझे नहीं समझ आती मेरा कमरा और चीजें कब साफ रहना शुरू होंगी। फिलहाल हम जा रहे हैं बाहर, ठीक है। आहत का कोई दूध छूत आना है और उसे देखेंगे, कोई चक्कर सैर वगैरह लगाएंगे, वरना वो बहुत बेताब हो जाता है, उतावला हो जाता है कि बस मुझे बाहर जाना। वो बस हो गया कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। दूध लाएंगे, कोई थोड़ा बहुत देखेंगे सुबह क्या करना है वो करेंगे, एंड कुछ सामान लेके आएंगे, ठीक है। तो बाहर चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो, प्यारा सा एक प्यार भरा कमेंट कर दो। तो चलो जी लेट्स गो, होते हैं, लाइटें शाइटें बंद करते हैं और फिर चलते हैं। ये कचरा आके उठाएंगे, कचरा तो नहीं मेरे बेटे के खिलौने, ये आके उठाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते, लेट्स गो। चले जी घर वापिस आ गए हैं, बाहर गए थे, बाहर रश बहुत ज्यादा था और गलियां भी सजी नहीं थी, लेकिन जो सामान सामान लेना था बस वो ही लिया। और मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा बीपी लो हो रहा, चक्कर आ रहे, तो मैंने कहा बस घर चले और हम कहीं दूर भी नहीं निकले, बिकॉज बाहर रश बहुत ज्यादा था, ट्रैफिक में फंस जाते तो फिर 2-4-5 घंटे लग जाते। तो अब्दुल्ला की तबीयत भी नहीं ठीक थी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, बस आहत के भी हम निकल गए थे बाहर, लेकिन बस घर वापिस आ गए, ठीक है। तो सोएंगे, नींद बहुत शरीदार। चलें जी, सुबह हो गई थी और सुबह के टाइम मुझे था कि 12 रबी अव्वल है तो कोई न्याज वगैरह दे दें, कोई चीज़ बांट दे। तो मैं यहाँ पे जर्दा बनाई थी, उसके लिए चावल चुन रही थी और चावल इतने सारे गंदे थे, उसमें इतनी सारी वंडे थी और सब कुछ था, गंद था। तो मैंने वो साफ़ करते करते ही मुझे 2 घंटे लग गए। और सुबह सुबह 9 बजे मैं उठ गई थी और बस टेंशन थी कि ये पकाना है और पका के बांटना भी है, टाइम से पक जाए और बट जाए। तो फिर मैं ड्राई फ्रूट्स रात को जो है वो फिर सामान के साथ ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी, ये गिरी लेके आई थी, इसको भी मैंने सुबह धो के रख लिया था, बहुत गंदी थी, ये भी मिट्टी से भरी हुई थी। और यहाँ पे बादाम भी रात को ही भिगो दिए थे सारे, ठीक है। वैसे तो ये गर्म पानी करने से भी हो जाते हैं। आर यू ओके बेबी, उठ गए हो आप? है मेरा पैर है? ओके भाई, मैं मेरे पैर पाँव सोए में, आप जाओ अंदर। क्या इधर मम्मा के पास ना खड़े थे, गर्मी है। मेरा भी तो उठ गया, क्या देख रहे हो? सुबह सुबह उठते साथ ही देख लियो। दिखाओ, ओ ये तो ब्लिपी लगा हुआ है, ब्लिपी। इधर आओ, ईद मिलो जल्दी से मम्मा को, जल्दी आओ। ईद बारी ईद मुबारक करो, ईद मुबारक, बलून, ईद मुबारक, ईद बारिक, ईद मिलाद उन नबी। दो ईद होती है इस्लाम में, ये भी ईद होती है, ईद मिलाद उन नबी होती है, खुशी मनानी चाहिए। नबी आए और आपका दीन कंप्लीट हुआ था, लेकिन ईद में तो होती है इस्लाम। अच्छा ये वो वाली बात ना करो बेटा, वो मेरी बात। अच्छा तो पहले बुखार हुआ, मैंने पहले तो ले खाई। दिखाओ, मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा बुखार, जिसम में दर्द हो रहा है ना, सोते हुए भी हो रहा है। ओए देखो,
थोड़े थोड़े गर्म तो हो रहे हो, लेकिन ज्यादा नहीं हो रहे हो। ज्यादा बना रही हो तो फिर कौन बांटने जाएगा? चलो ओके मम्मी, चलो जल्दी से वॉशरूम चलो, इशी पोटी कर लो, फिर आना फ्रेश होके। चलो शाबाश। कच्चा चावल गल गए? मीठा? अब मीठे को कैसे कम करूं? भाई यार मेरे चावल भी बन गए, कितने प्यारा कलर आया जरदा के ऊपर। तो वो अगर अंडा ना हुआ तो फिर अंडा डबल रोटी देखती हूँ बनाती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर देखती हूँ। हाय चावल तो मेरे बन गए, अब उसको आपने मेरे साथ मिलके शाहपुरों में डलवाना है, और फिर वो होगा, हम देने जाएंगे। ठीक है, तब तक तो मैं कपड़े भी चेंज कर लूंगी, पक पुक गए हैं। अब्दुल्ला अंडा है, कौन सा वाला अंडा का आपने मुझे? हाफ फ्राई करना, हाफ फ्राई नहीं जल्दी कच्ची ना रहेगी उसकी, रहती भाई, मगा सिर्फ काले ना रहती, देती, लाइट बंद कर दो। काले अच्छा भाई सुन, और यहाँ पे मैं अब्दुल्ला के लिए नाश्ता बनाई थी, ब्रेड और हाफ फ्राई एग, और अंडे की जर्दी ना मुझसे टूट गई थी, सही नहीं बना था, एक गलती हो गई है, अब की जर्दी टूट गई है, पक गई है लेकिन टूट टूट गई। और जाओ चलो, आपके पकाने के चक्कर में जल्दी टूट गई है, नहीं अच्छा लगा, खा लो अब चुप करके। आज को यहाँ पे ये देखो पित निकल गई है, इतनी सारी पित, और ये जो है ना ये तरफ रहा है। क्या हो रहा है, खारिश हो रही है? मैंने यहाँ पे अभी लगा दिया तेल, लगा दिया, अभी सही हो जाएगा। अभी पापा को ना कहूंगी कि प्रिकली हीट पाउडर लेके आए, ठीक है? ठीक है, आप अब गर्मी में नहीं जाना, मैंने एसी चलाया आपके लिए चलाया है, अब बाहर नहीं जाना। अच्छा चल, मैं बेटा इधर बैठा, मैं आपको कार्टून इधर लगा के देती हूँ, इधर देखो कार्टून, कार्टून देखने, चलो मैं लगा, अच्छा मैं कार्टून लगा देती हूँ ना, कार्टून लगा रही हूँ, ठहरो लेटो नीचे होके, हाँ ऐसे लेट जाओ, शाबाश लेट जाओ, मैं वो कपड़े पहनाती अभी। क्या देखना है आपने? लिपि देखना है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, एंड वेलकम मम्मी, टू एन अदर डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है? सो 12 रबीउल अव्वल सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है? और जो है क्या नाम है, यहाँ पे आहत जो है ना वो सुबह सुबह उठ गया है, सुबह तो नहीं हो गई, अब जो है दोपहर का टाइम हो गया है, और आहत उठ गया है, और इसको जो है ना 2-3 दिन से ना कमर पे पित्त निकला है, ये गर्मी में इसका खून वैसे भी गर्म है, और इसको जैसे जैसे गर्मी में जाता है वो फिर चुभने लग जाती है, पित्त एक्टिवेट हो जाती है, और वो फिर ये क्या दिखाओ का, ये देखिए खारिश कर रहा है, खारिश हो रही है। तो ये बस इसने, अब मैंने इसको जो है ना खारिश कुरिश तो इसने कर ली है, मैं इसको तेल तूल लगवा रही हूँ, बस कह रहा है मेरे पेट पे हाथ फेरते रहो, नहलाया भी है इसे, और जो है ना फिर भी इसको सुकून नहीं आ रहा, तो अब वो बच्चा है वो क्या करे, हम बड़े तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वो बच्चा हो। चलो ये शर्ट पहनो, ठीक है? अब ये शर्ट पहन लो। हाँ है, ये पहना दो शर्ट, ये वाली शर्ट पहनाती हूँ मैं आपको, और पजामा पहनो, पूरा पजामा पहनो, ताकि आपको ये काटे ना, ठीक है? ठीक है, से हाय, से हाय, काट रही है। चलो जी, आहद ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे लेट गया है, और पता नहीं इसको इस मौसम में क्यों पिक निकल आई है, इतनी सारी 2-3 दिन से इसको निकली हुई थी, अब मैंने खैर इसको तेल तो लगा दिया और कहा कि एसी के नीचे बैठो, ये जब गर्मी में जाता है ना, मैंने हिसाब लगाया जब ये बाहर सहन में जाता है, गर्मी में जाता है, कहीं पे भी जाता है, तब इसको वो ज्यादा चुभती है, गर्मी लगती है ना जब, तब तो अब एसी में बैठा हुआ है तो अब सही है फिलहाल, ये मेरा रोज का काम, डेली रूटीन का काम ये पड़ा हुआ है, इसको समेटेंगे। और जर्दा मैं बना चुकी हूँ, और जर्दा बना के हमने बांट भी दिया है, ठीक है? 12 रबीउल अव्वल की न्याज के तौर पे, कह
कई लोग इसको ईद मिलादुन्नबी भी कहते हैं, कई लोग खुशी मनाते हैं, कई लोग नहीं मनाते हैं। पर हर ईद तो पता नहीं है या नहीं है, इस पे तो बहुत लंबी बहस है, कई कहते हैं कई कहते नहीं है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल है, इस दिन हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा हुए थे, और अगर वो ना आते तो हमारा दीन पूरा ना होता। तो इसलिए जो है क्या नाम है खुशी मनानी चाहिए। उसके लिए मैंने जो है पीठा बांटा था, जर्दा बनाया था, और जर्दा बना के इर्द गिर्द के लोगों में उसको तकसीम कर दिया। ठीक है, अब अपना रोजमर्रा का काम करेंगे, क्योंकि शाम को लगता है, क्योंकि इस तरह 12 रबीउल अव्वल का दिन है तो लोग आते हैं, गलियां बाजार सजते हैं और लोग आते हैं, तो हमारे घर भी शायद कोई ना कोई आ जाए, तो कमरा तो नीट एंड क्लीन साफ होना चाहिए। तो बस अपना अपना रूटीन का काम करेंगे, सफाई करेंगे। जो नियाज न्यूज हमने देनी थी वो हम दे चुके हैं, बट बांट बूंट दिया है। आहद अब ये देखें, अब काफी बेहतर हो गया है। इसको मैंने सरसों का तेल लगाया है, तो अब इसको काफी जो है ना वो रिलीव हो रही है। ये मैंने कल कपड़े धोए थे सारे, वो सूख चुके हैं। अब इसको तय लगाऊंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। बाथरूम जो है वो कल धुला था, आज उसको हल्का हल्का सा क्लीन करूंगी, अभी साफ है वो। बिकॉज बाथरूम हम दो के इस्तेमाल में, मेरे और अब्दुल्ला के इस्तेमाल में, आहद अभी बाथरूम का इतना इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, जब आहद पानी में घुस जाए तो फिर बाथरूम रोज होना पड़ता है, तो इसलिए कल से बाथ पानी में नहीं गया। हाँ, दोपहर में सुबह नहाया था, लेकिन वहां से मैंने कूदने लाया था। जी व्हाट आर यू सेइंग बेबी? डॉग सेज म्याओ। अच्छा, ए फॉर एलिगेटर, बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई जे जे फॉर अच्छा जे 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 जेली के केंगरू एल एम जे एन ओ अपस ऑक्टोपस ऑक्टोपस ओ अपस ऑक्टोपस ऑक्टोपस व्हाट ऑक्टोपस ओ ऑक्टोपस पी वाह 3 2 1 2 पेग ओके पी पेग और एफ पी क्यू 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 हाँ क्यों क्वीन आर एस सिंह टी हाई को यू वी डब्ल्यू एक्स Y Z Very good Abdullah where are you Call him Ahad Call Abdullah Idhar idhar Kidhar Abdullah Ahad Ahad डॉग सेज वो फूफ लाइन सेज एंड टाइगर सेज एंड कैट सेज एंड गॉड सेज शीप सेज एंड हॉर्स सेज पिग सेज गोरिल्ला एंड मंकी मारते नहीं अपने आपको अच्छा एंड और कौन रह गए काओ
और मैकडॉनल्ड हैडा फिंगर फैमिली. ओके मम्मी फिंगर वेयर आर यू. डैडी फिंगर वेयर आर यू. डैडी फिंगर व्हाट डू यू डू. डैडी एक्सरसाइज करते हैं. नो डैडी फिंगर. डैडी फिंगर डैडी फिंगर व्हाट डू यू डू. मम्मी फिंगर मम्मी फिंगर वेयर आर यू. मम्मी फिंगर मम्मी फिंगर व्हाट डू यू डू. क्लैपिंग क्लैप करो क्लैप. यस अच्छा मम्मी गोना टिकल मी व्हाट विल आई डू. मम्मी गोना टिकल मी व्हाट विल आई डू. ओके बेबी बेबी. यस मामा. ईटिंग कैंडी. नो मामा. आर यू श्योर. यस मामा. ओपन योर माउथ. वेरी गुड. आएगा कौन आएगा. कहाँ गए वो. उनके साथ जाना हमने. हाँ हम चारों जा रहे हैं. आते तो मोटरसाइकिल पे चक्कर लगाएंगे. हाँ अच्छा इसके लिए कहीं से अगर कोई वो मिलेगा कोई स्टोर खुला हो तो वो ले आना. क्या भला लोशन टाइप. इसकी कमर पे ना वो बन गए. अब वो कंधे की तरफ चले गए. अभी तो मैंने इसको सरसों का तेल लगाया तो वो सही हो गया. आहत जाओ डैडी के साथ. अज़ान हो गई मगरिब की. मगरिब हो गई मगरिब. चलो जाओ जी. अब्दुल्ला और आहद बाहर चले गए अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले गए. और सारे लड़के लड़के ठीक है. यहाँ पे बज गए 6:30. मगरिब की अजान भी हो गई है. नमाज पढ़ूंगी मैं. सफाइयां सफुइयां कर ली हैं. कमरा क्लीन कर लिया ऑलमोस्ट. और ये आहद ने सबसे बड़ा नुकसान ये देखे. आहद ने क्या किया है. ये पूरे प्रॉपर जो है ना वो स्क्रैचेस हैं. पता नहीं किस चीज से इसने स्क्रैचेस जो है वो एलईडी के ऊपर मारे हैं. समझ नहीं आ रही. यहाँ से तो नहीं दिख रहे थे लेकिन जब यहाँ पे तो यह आपको मैं बता नहीं सकती ये कितने ज्यादा स्क्रैचेस है. देखे अब तो अब्दुल्ला जब आएंगे उनको बताऊंगी. तो फिर अब पता नहीं इसको जोर जोर के उसके हाथ में क्या था. वो उससे स्क्रैचेस लगा रहा था और जोर जोर के मार भी रहा था. एलईडी चलती है कि नहीं चलती चला के देखती हूँ. एलईडी तो चल गई है लेकिन स्क्रैचेस इसके अभी भी दिख रहे हैं. अब इसको दूर रखना पड़ेगा यहाँ से. और ये इतना मुझे तंग करता है. मैं क्या करूं मुझे नहीं समझ आती. इतने स्क्रैचेस अब इसके ऊपर मार दिए हैं. और अब बाप से डांट तो मुझे पड़ेगी ना. उन्होंने कहना तुमने इसको नहीं कंट्रोल किया. तो वो फिर चलो अब पहले सफाई तो कर ली है. कपड़े भी यहाँ से उठा लिए हैं. वो लोग बाहर गए हैं. मैं अपनी नमाज पढ़ूंगी. चले जी नमाज नमोज पढ़ ली है. और दुल्हा और आहत कितनी देर में वापस आते मुझे कोई पता नहीं है. ऑलमोस्ट 7:15 हो रहे हैं. 7 बजने वाले हैं. मैं टीवी देखूंगी. सफाई सफाई भी होगी. मेरा सारा काम भी खत्म हो गया. और ये अब मेरा टाइम है. मैं सोऊंगी क्योंकि मेरी नींद भी पूरी हुई. पता नहीं क्यों मेरी आजकल नींद भी पूरी नहीं हो रही. ऐसा लग रहा है मैं 3 या 4 घंटे की नींद लेती हूँ. और आजकल जो है क्या नाम है बस ऐसे सोते सोते भी टाइम हो जाता है. रात को आधी 3, 3:30, 4 बजे सोता है. उसके बाद फिर खुद नींद आते आते सुबह के 4:30, 5 बज जाते हैं. और फिर उसके बाद 9-10 बजे दोबारा आंख खुलना शुरू हो जाती है. और उसके बीच में भी आहत जो है वो जो 4-5 घंटे की नींद में लेती हूँ उसमें भी मैं उठती हूँ. आहत को फीडर बना के देना पैम्पर चेंज करना लॉट ऑफ थिंग. वो बार बार ठीक ठीक करता है उठता है बच्चा. बच्चे के साथ तो फिर ऐसे ही होता है. मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुद को वीक फील कर रही हूँ और मेरी नींद नहीं पूरी हो रही. मैं कल रात को आहत भी नहीं सोया था अब्दुल्ला भी नहीं सोए थे. मैं कल रात तकरीबन 1:30 बजे ही सो गई थी. मैंने कहा सोना तो सो नहीं सोना तो ना सो. और फिर जो है जब उठी तो अब फिर उठ गई थी. फिर मेरी आंख खुल गई सुबह 4:30 बजे. अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि आहद का डायपर शायपर चेंज होना है. और पता नहीं ये कब सोए दोनों बाप बेटे मुझे नहीं पता. पर हाल इसका डायपर चेंज गया तो फिर उठ गई थी लकी थी. तो मैंने कहा नमाज भी पढ़ लेती. नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई. नींद आई सुबह 9:30 बजे जाके. बल्कि सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट ऐसे ही होती है ठीक है. और
जो है बाहर गलियां सजती हैं, बाजार सजते हैं, लोग उसी तरह हम उसी में खुश हो जाते हैं, ठीक है। और सबके अपने क्या अकीदे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मजहब लेके सब चल रहे हैं, तो हर एक अकीदे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो है क्या नाम है, जो जो भी ईद मिलादुन्नबी सेलिब्रेट करते हैं उनको ईद मिलादुन्नबी जो है ईद के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं उन्हें ये मुबारक हो, और जो 12 रबी अव्वल सिर्फ करते हैं उनको 12 रबी अव्वल के तौर पे मुबारक हो। बहरहाल मुबारक दिन तो है, लेकिन ठीक है, सबके अपनी अपनी सोच है, अपना अपने ईद के रहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। मुझे मेरे बेटे को मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत याद रखना है। एंड मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है प्यारा सा, और जो है क्या नाम है बेल आइकन को भी दबाना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना है। सो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।